कल रात मुंबई के बांद्रा में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से सनसनी मच गई। वहीं अब इस हत्याकांड से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बता दें कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल 3 शूटरों में से 2 पुलिस की गिरफ्त में हैं। जिन 2 शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है उनके नाम गुरमेल बलजीत सिंह और धर्मराज कश्यप हैं और तीसरे शूटर का नाम शिव कुमार बताया जा रहा है। बता दें कि शूटर धर्मराज कश्यप यूपी के बहराइच का रहने वाला है। धर्मराज की मां का भी इस मामले पर बयान सामने आया है। धर्मराज की मां का कहना है कि वो काम की तलाश में पुणे गया था। धर्मराज की गिरफ्तारी हुई मुंबई में एक मर्डर केस में, क्या कहना है आपका? अरे भैया कौन, मैं छोड़ाई लिए उनका और कहा बताई हम कहाँ चले। कहाँ कितने दिन से रहता था? ये 2 महीना भय गए रहे कबाड़ के काम करे हमसे बताई के गए रहे। अब हुआ कुछ भी करे साहब हमका का पता कोई कहाँ का काम करता था। पूना गए रहे हमसे बताई के। तो आपको कैसे जानकारी मिली? हमको सवेरे पुलिस आई है तब हम पूछी सी तब हम जाना है। तो कब से बात नहीं हो पाई थी? हमसे बात भी गए हैं तब से 1-2 महीना में एक दफी बात भई है और ना पैसा कौड़ी भेजे और ना बात करा। तो पहले क्या यहाँ भी कोई लड़ाई झगड़ा झंझट में कुछ नहीं हो रहा साहब? हम लड़के नीक रहे कहूँ लड़ाई झगड़ा नहीं करत रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जघन्य हत्याकांड में शामिल 3 शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बताए जा रहे हैं। वहीं लॉरेंस गैंग की तरफ से भी इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने की खबर सामने आई है। दरअसल बाबा सिद्दीकी सलमान खान के काफी करीबी माने जाते थे। लॉरेंस गैंग लंबे समय से सलमान खान को धमकी देता रहा था। यही वजह है कि मुंबई क्राइम ब्रांच इस एंगल से भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। इसके साथ ही जांच एजेंसियां इस एंगल से भी जांच में जुटी हुई हैं कि क्या बाबा सिद्दीकी की बिजनेस या किसी वजह से किसी से दुश्मनी तो नहीं थी। वहीं इस हत्याकांड पर उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP विक्रम सिंह ने भी कई सवाल उठाए हैं। ये स्थिति अत्यंत चिंताजनक और भयावह है। मुंबई के पॉश इलाके में एक पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जिनका बेटा भी या तो विधायक है या पहले था और जिसने अपने जीवन भय के बारे में चिंता बताई थी, कुछ सुरक्षा मिली थी, बताया जाता है 2 कांस्टेबल्स मिले थे या वाई कैटेगरी मिली थी, उसके बावजूद अगर हत्या हो जाती है और बाहर से आए हुए 3 पेशेवर हत्यारे जिसमें एक है धर्मराज, दूसरा है करनैल सिंह, एक हरियाणा का और एक उत्तर प्रदेश का, 9mm पिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाना, 9mm पिस्टल्स या तो चाइना की ओरिजिन की होती हैं या फिर FM ब्राउनिंग की होती हैं, खतरनाक हथियार जो केवल पुलिस फोर्सेस वगैरह को दिया जाता है और उसकी इतनी पावरफुल मार होती है कि कमर के नीचे भी लगे तो जिसको मारा जाएगा, अगर वाइटल पार्ट पे नहीं भी लगी तो रक्त स्राव यानी हेमरेज से भी उसकी मौत होने की संभावना रहती है। और मुंबई इस तरीके से बताने के बाद अगर हो तो चिंता का विषय तो है ही और पुलिस को अपनी आंतरिक जो व्यवस्था है गश्त, गाड़ाबंदी और पेट्रोलिंग की, उसको और उच्चीकृत करने की आवश्यकता है। और ये जो बताया जा रहा है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये कहा जाता है कि उसके 3 गुर्गे अमेरिका से ऑपरेट कर रहे हैं, गोल्डी बरार, अनमोल बिश्नोई जो कि उसका भाई है और एक नाम और है मैं आपको बताता हूँ जो कि अमरीका से उसको संचालित कर रहे हैं। और अगर खुलेआम NIA ने अपनी चार्जशीट में इस गैंग के खिलाफ ये लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात में है और उसके 700 शूटर हैं, मैं बताना चाहूँगा इसके पहले दाऊद इब्राहिम का गिरोह ऐसे ही चलता था और उसने जिस प्रकार गुलशन कुमार की मुंबई में ही दिन दहाड़े हत्या की थी अबू सेलम ने, कुछ कुछ हमें वही परिदृश्य सामने आ रहा है। और इस तरीके के गिरोह तभी क्रियाशील होते हैं जब उनको कहीं से बैकअप मिलता है। इसके पहले दिल्ली में एक अफगान जिम ओनर की हत्या हुई थी, सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी और हमने क्या आज तक कोई कार्रवाई करना ज़रूरी नहीं समझा? और ये कह देना कि जो सलमान खान का मित्र है वो हमारा शत्रु है, ये एक चुनौती है और शासन प्रशासन से ये अपेक्षा की जाती है कि इस गैंग को निष्क्रिय करने के बारे में कार्रवाई करें। अभी ये भी बताया जाता है कि कैनेडा में एक सिंगर की हत्या इस गैंग के द्वारा की जा चुकी है। तो यह तो हम कह दें कि आपने आत्मसमर्पण, जब मैं आप कह रहा हूँ तो शासन प्रशासन ने आत्मसमर्पण कर दिया है या फिर आप गंभीर नहीं हैं। समय आ गया है गंभीर होकर के इस तरीके के अपराधियों और गिरोहों को नेस्तनाबूद करें और 1-2 फुट सोल्जर्स, पैदल सिपाही पकड़ने से काम नहीं चलेगा। गैंग के पीछे जरूर किसी विशिष्ट व्यक्ति का या संगठन का हाथ है क्योंकि बिल्कुल संगठित अपराध के एक शीर्षस्थ गिरोह की तरह क्रियाशील हो रहा है।
बता दें कि बाबा सिद्दीकी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे थे। वो बांद्रा पश्चिम सीट से 3 बार विधायक भी रह चुके थे। हालांकि कुछ समय पहले ही वो अजीत पवार गुट के NCP में शामिल हो गए थे। कल वो अपने बेटे के ऑफिस गए थे, जहां वो अपने समर्थकों से मिलकर बाहर निकले, तभी शूटरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। तारीख 12 अक्टूबर शाम के तकरीबन 7 बजे बाबा सिद्दीकी बांद्रा के इसी जिशान सिद्दीकी के दफ्तर में यहां पर पहुंचते हैं और अगले 2 घंटे तक यहां पर वे अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से और स्थानीय लोगों से यहां पर वो मुलाकात करते हैं और रात के तकरीबन 9 बजे बाबा सिद्दीकी इस दफ्तर से बाहर निकलते हैं। उनकी गाड़ी यहां से तकरीबन 50 मीटर दूर खड़ी रहती है। वो इस तरीके से पैदल जाते हैं। उनके साथ उनके समर्थक होते हैं, उनके चाहने वाले होते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं और गाड़ी जो है ठीक वहाँ पर खड़ी होती है, उनकी एक SUV कार जहाँ पर वो पहुँचते हैं। लोगों से वे घिरे हुए रहते हैं, काफ़ी भीड़ होती है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास पहुँचते हैं, भीड़ में से अचानक 3 शूटर्स उनके ऊपर फायरिंग ओपन करते हैं और 6 राउंड फायर करते हैं। यहाँ पर देखिए, पुलिस ने उन तमाम 6 राउंड्स को उनकी नंबर्स के साथ मार्किंग की हुई है। इसमें से एक गोली गाड़ी के शीशे पर लगती है, एक गोली बाबा सिद्दीकी का जो एक सहयोगी था साथ में उसके पैर पर लगती है, जबकि 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने को छलनी करते हुए निकल जाती हैं। इसके बाद खून से लथपथ बाबा सिद्दीकी को यहां से जो है हड़कंप मचने के बाद लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है, जबकि जो शूटर्स हैं वो यहां पर गोली चलाने के बाद इसी रास्ते से दौड़ते हुए भागते हैं। उनके पीछे पब्लिक भी भागती है, पुलिस भी भागती है और तकरीबन 200 मीटर आगे जाकर जहां एक चेकपोस्ट होता है वहां पर 3 में से 2 आरोपियों को धर दबोचा जाता है, जबकि तीसरा जो आरोपी है वो भीड़ का फायदा उठाकर वहां से फरार होने में कामयाब होता है। इसके बाद ये मामले को जो है क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है जांच के लिए, जबकि अस्पताल में डॉक्टरों की जो टीम है वो बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित कर देती है। जो क्राइम ब्रांच के सूत्रों से अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो शूटर्स हैं उनकी पहचान कर्नेल सिंह और धर्मराज कश्यप के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस एंगल से भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि उनको शक है कि चूंकि बाबा सिद्दीकी का जो रिश्ता है सलमान खान के साथ वो बेहद करीबी था और ऐसे में उनको निशाना बना करके सलमान खान से बदला लेने की ये कोशिश हो सकती है। इसके अलावा पुलिस जो है वो आपसी रंजिश, राजनीतिक दुश्मनी और आर्थिक मामले, इन एंगल्स को भी फिलहाल खंगाल रही है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। क्राइम ब्रांच ने अब तक 5 टीमें बनाई हैं। 2 आरोपियों को आज मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उनकी रिमांड ली जाएगी। निश्चित तौर पर इस वारदात ने पूरे शहर में, पूरे देश में सनसनी फैला दी है। अब इस मामले में पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो और भी तेज हो चुकी है।